ऑलरेडी हम लोगों ने ऑल एक्सेस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, नाउ वी गोइंग टू शेड्यूल द प्रॉपर साइज। इसमें बोला हम लोगों विच आर द, इसमें फाइंड करेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर वन एमसीक्यू है, दैट यू डू ऑन योर ओन। डाउट्स होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, मुझे कमेंट कर देना करेक्ट, ये डाउट्स है क्लियर करो तो मैं कर दूंगा करेक्ट। ना सही इधर बोला है, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, चारों में से कौन सा सेट है। कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो कलर एज इट इज, रेनबो कलर कभी चेंज नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड सेट। टॉल ट्रीज इन योर स्कूल गार्डन, तुम लोग बोलोगे हाँ, तुम लोग काउंट करोगे यस, ये सब पूरा सेट है। लेकिन हो सकता है कि कल आके तुम लोग देखो कि सर ट्री ट्री अगर ब्रेक हो गया रहेगा तो ट्री शॉर्ट हो गया, तो टॉल ट्रीज इन स्कूल गार्डन। अभी हो सकता है कि स्मॉल स्मॉल ट्रीज है वो टॉल है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम और टॉल हो जाएगा, है ना, कोई ट्रीज का को कट कर देंगे, इसलिए टॉल ट्रीज कैन नॉट बी द सेट। रिच पीपल इन द विलेज, विलेज में कौन रिच पीपल्स है, आजकल कोई बताता नहीं है कि मैं रिच हूँ, है ना, तो इट इज़ नॉट ए सेट। ईजी एग्जाम्पल्स इन द बुक्स, ईजी एग्जाम्पल ऐसा कोई ऐसा नहीं है, सब ईजी एग्जाम्पल्स है। कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल ईजी लगेगा और वो क्वेश्चन को वही एग्जाम्पल्स हार्ड लगेगा, करेक्ट। बेस्ट फॉर दिस इज दिस थ्री इज नॉट ए सेट, है ये नॉट ए सेट। तो हम लोग करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ऑप्शन की तुम्हारा ए इज ए सेट, करेक्ट से ए ऑप्शन ए क्या है इज ए सेट। तो ए क्या है तुम्हारा, कलर द रेनबो इज ए व्हाट सेट, करेक्ट। ये फर्स्ट आंसर होता है। विच सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, यानी एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। सी अगर नेचुरल नंबर और होल नंबर को जब तुम लोग है ना, जब तुम लोग इंटर कॉमन निकालोगे, सी होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 टू द रीसेंट गोज ऑन, ठीक ना, और नेचुरल नंबर होगा 1 2 3, ठीक। तो इन दोनों को कॉमन निकालोगे तो कॉमन क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। सो आंसर आएगा इधर जो ऑप्शन है, ऑप्शन आएगा तुम्हारा व्हाट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, तुम्हारा ऑप्शन है ए, ए ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन ए। बिकॉज नेचुरल नंबर और होल नंबर का जब कॉमन आएगा तो 1 2 3 4 गोज ऑन, सिर्फ जीरो नहीं आएगा बाकी सब कॉमन आएगा, देयरफॉर ऑप्शन क्या तुम्हारा, ए ऑप्शन है करेक्ट। थर्ड सम, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड इंडिया, इंडियन करेक्ट। अब इसमें से कौन सा प्रॉपर सेट है, इधर दो वर्ड दो रिपीट हुआ, आई रिपीट हुआ है एंड रिपीट हुआ है, तो दैट शुड बी रिटन व्हाट वन। सी आई एन डी इधर ए गायब है, ये नहीं है, आई एन डी ए, आई ए एन ए डी ए और ए है, ये राइट हो गया। आई एन दो बार एन आ गया, ये तो है ही नहीं, आई गायब है नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारा, आई दो बार है, एक बार लिखा एन, एक बार लिखा डी, एक बार लिखा और एक बार लिखा, करेक्ट। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन तुम्हारा क्या है, ये ऑप्शन कॉल वॉट बी, तुम्हारा ऑप्शन है बी इज द वॉट, ऑप्शन बी इज ए सेट, करेक्ट ना। अब इसमें देखो सी, इसके अंदर क्या है, सी टी यूनियन एम, जब टी और एम को यूनियन करो क्या मिलेगा मेरे को, 1 2 3 4 5 7 8 ये आना चाहिए, इसमें 1 2 3 4 5 7 8 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, 1 2 3 4 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 7 8 ये दोनों कॉमन आ गए यूनियन करें, इन दोनों को यूनियन करोगे तो वी गेट दिस वन। सो इसके अंदर आंसर क्या गया हम लोग का, दो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, सेट सी है, तो सी सब क्या तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, टी यूनियन एम, दोनों को कंबाइन करोगे क्या मिलेगा आप लोग को, 1 2 3 4 5 3 4 आ गया, 7 और 8 7 8, तो ये क्या ये करेक्ट ऑप्शन है, तो द फर्स्ट हम लोग का सम कंप्लीट हुआ। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स में एग्जाम्स में आएगा, प्रॉपर ध्यान दो सी। आउट ऑफ 100 पीपल्स इन ए ग्रुप, टोटल कितने पर्सन है, 100 पीपल्स है, 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश, इसमें से 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश, 43 पर्सन स्पीक फ्रेंच, और ईच वन ऑफ आउट ऑफ 100 पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, 100 में से कोई ना कोई एक जो है वो एक लैंग्वेज को बोलता है, एंड दे स्पीक व्हाट वन लैंग्वेज, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश और हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच,
और हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक व्हाट इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, यानी यहाँ पर हम लोग को दिया है सी टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये क्या हो गया, ये हम लोग का ई नंबर ऑफ ई यूनियन एफ, यानी ये भी कितना है 100 है ना। अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते फिर ड्रॉ द वेन डायग्राम, ये ऐसा हो गया, ये ई और ये एफ, सो टोटल कितने हैं मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं इधर 100 हमारे, तो ई यूनियन एफ 100 मेंबर्स है। अब इधर बोला है 72% स्पीक इंग्लिश, ये पूरा सर्कल है दे स्पीक इंग्लिश, और फ्रेंच बोला है हम लोग को लोग ने कितना है 43 स्पीक फ्रेंच, ये भी मालूम नहीं है, ए इंटरसेक्शन एफ दैट वी डोंट नो, तो पहले हमको ये फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन एफ दस फाइंड करोगे सी, सो इधर फाइंड करने का हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 72 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 43, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ई इंटरसेक्शन एफ ये फाइंड करने का है। तो पहले हमको फॉर्मूला पुट करने का अपना ओल्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट ई यूनियन एफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ, टोटल कितना ई यूनियन एफ कितना है 100 पीपल्स है, ई कितना है इसमें 72 है, एफ कितना हमारा 43 है, दिस वी डोंट नो, ये फाइंड करने का है हमको, करेक्ट। सो 100 इज इक्वल टू ऐड करो 70 110 110 115 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ये माइनस ही इधर लेकर प्लस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 115, ये प्लस है उधर लेके जाओ 100 हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू व्हाट 15, यानी ये आंसर आया हमारा व्हाट 15, करेक्ट। नाउ अगर आगे चलेंगे हम लोग कर सी अगर सपोज सी इफ वी गो व्हाट फर्दर, अगर हम लोग को आगे जाना है तो ओनली इंग्लिश फाइंड करने का है, ओनली फ्रेंच फाइंड करने का है, तो इधर आएगा पहले ऐसा लिखो नंबर ऑफ पर्सन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, लिखो बोथ द लैंग्वेज कितना है 15 आ गया, करेक्ट। अभी हमको फाइंड करने का है ओनली, जब भी ओनली बोलोगे सी इधर क्या है ओनली, जब भी ओनली बोलोगे तो इसको इसे माइनस करना है, कितना आया 7 6 इधर आएगा 5, इधर ओनली ये 15 को इसे माइनस करो कितना आया इधर 8 3 2, ओनली का मतलब होता है टोटल में से 15 माइनस करने का, अगर सी सो अभी देखो नंबर ऑफ पर्सन स्पीक ओनली व्हाट इंग्लिश, व्हाट आ गया ओनली, सो कैसे फाइन करेंगे हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश में माइनस इंटरसेक्शन को माइनस करो, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 72 में से 15 माइनस करो, आंसर आएगा हम लोग को 57, करेक्ट। सो 57 पीपल व्हाट दे स्पीक ओनली इंग्लिश, और फाइन करने को आंसर को नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली व्हाट फ्रेंच, तो फ्रेंच का जो टोटल है कितना है वो 43 माइनस इंटरसेक्शन से माइनस करो, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फ्रेंच कितना है 43 पीपल माइनस कितना इंटरसेक्शन है 15, तो आंसर आएगा व्हाट हम लोग को, सो 28 पीपल्स दे स्पीक व्हाट ओनली फ्रेंच, 57 ओनली इंग्लिश 28 व्हाट ओनली फ्रेंच, और कंबाइन बोथ वो हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच कितना है वो 15, तो दिस इज व्हाट अवर द थर्ड सम, तो प्लीज डू दिस सम
again and again, so that the sum will become what? Easy for you, correct? Then we will sort out the fourth sum. See, question number fourth put karenge hum log bhi. See, 70 trees were planted by Parth, 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation. Dono do student hai, ek to Parth hai, ek to Pradnya hai. To Parth ka lene ka, let P be the tree planted by Parth, yani ye ho gaya set P. Let Q be the tree planted by Pradnya, yani kya Q. यानी पार्थ ने कितना प्लांट किया, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय पार्थ 70, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड प्लांटेड बाय प्रज्ञा क्यू 90 है, और दोनों मिलके दे प्लांटेड व्हाट 25. फाइंड करने का, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम. सो टोटल बोला है तो फाइंड करने का हमको यूनियन फाइंड करने का. वेरी सिंपल सम, एकदम ईजी सम है. सेम फॉर्मूला पुट करो हम लोग का, कहेगा एन P union Q is equal to number of plant by Pradnya Parth, number of planted by Pradnya minus intersection. Correct? ये कितना है 70, ये कितना है 90, ये कितना है 25. Correct? इसको add करो 160, 25 minus करो कितना हो गया 135, correct? So P union Q is equal to that 135. Therefore, total number of tree planted by both of them, dono milke, nahi total ta, both of them is equal to what? Kitna hai ga? Wo hai 135 on tree plantation day is कितना का 135 plant, यानी 135 plant उस दिन वो लोग ने total plant लोग ने plant किया है, करेक्ट? So कितना easy sum था. हाँ, अगर Venn diagram draw करोगे तो वो Venn diagram easy हो जाएगा sum तुम्हारा. ये Parth है, ये Pradnya है, ये कितना है 70, ये 90, और ये कितना है ये 25. दिस प्लस दिस माइनस दिस हो गया अंदर इजी अंक आंसर मिल जाए, करेक्ट? फोर्थ सम, करेक्ट? सम नंबर फिफ्थ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 20, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 36. हम लोग को फाइंड करने का है इंटरसेक्शन फाइंड करने का. वेरी सिंपल सम, प्रीवियस सम जो किया था सेम सम वैसे ही करना है हमको. यह हमारा सोल्यूशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डाल दो, राइट? सो ये टोटल कितना कितना है 36, ए यूनियन बी 36, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 20, बी कितना है 28, ये हमको पता नहीं है, करेक्ट? सो 36 ऐड करो 48, ए इंटरसेक्शन बी. ये माइनस है, इधर लिखो प्लस होगा, ये प्लस है उधर लिखो जाओ माइनस होगा. देयरफॉर ये इधर आ गया, प्लस हो गया इज इक्वल टू 48, ये प्लस है उधर लिखो जाओ 36. सो ए इंटरसेक्शन बी is equal to add करो 12, आंसर कितना आंसर हमारा 12 आंसर आ गया. इतना इजी सम था, राइट? सो मैंने वी हैव पुट, हमने पुट किया है कितना सम पुट किया, मैंने 4 सम पुट किया. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू पुट व्हाट 6 सम्स व्हाट नेक्स्ट वीडियो में. देन आवर फर्स्ट चैप्टर विल बी व्हाट ओवर. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू.